के हौसले और उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि इतने बड़े ट्रेजिडी के बाद भी उन्होंने अपना हौसला बुलंद रखा और 3 साल तक लगातार ये लड़ाई लड़ती रही। ये हमारे देश की और हमारी पुलिस की और हमारी सरकार की नाकामी तो नहीं कहना चाहिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमारे देश की सरकार और पुलिस का ये हाल हो गया है कि लोगों की लोग गायब हो जाएं, उनको सड़क पर खुलेआम पीट पीट कर मार दिया जाए और फिर भी वीडियो में वो सब कैप्चर हो जाए और जो लोग उसमें दिख रहे हैं वो भी वीडियो में कैप्चर हो जाए जो पीट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं उनको सजा भी नहीं होती और बाहर निकल कर उनको माला पहनाई जाती। सड़कों पर सरकार की शह पर, रूलिंग पार्टी भाजपा की शह पर इस तरह के दंगई मॉब्स, लिंच मॉब्स को खुली छूट दे दी गई है और पुलिस से कह दिया गया है कि भाई तुम लोग कुछ मत करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वही जिन लोगों को पीट पीट के मारा जाता है उन्हीं के खिलाफ केस बना देती है और दंगइयों को और जो मारने वाले होते हैं उनको छोड़ देती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक लिंच मॉब सोशल मीडिया पर भी बना दिया गया है। स्वाति चतुर्वेदी ने किताब लिखी है आई एम अ ट्रोल, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से भाजपा का जो आईटी सेल है वो किस तरह से काम करता है कि 1000 लोग जिनको 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह देकर बैठाया हुआ है उनका दिन रात ये काम होता है कि झूठी झूठी वीडियो बनाओ, मॉर्फ वीडियो बनाओ, झूठी खबरें बनाओ जिससे कि लोगों को मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ भड़काया जा सके। और वो वीडियोस उनके आईटी सेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा सब लोगों को भेजे जाते हैं, इनका बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीका है। और अगर कोई जना इनकी सरकार के खिलाफ बोले तो उनको भद्दी भद्दी गालियां दो, उनको मारने के थ्रेट दो, रेप के थ्रेट दो। और इस पूरे सोशल मीडिया का जो लिंच मॉब है उसका संचालन खुद प्रधानमंत्री करते हैं, ये स्वाति चतुर्वेदी की किताब में उन्होंने डिटेल में बताया। शायद हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश होगा जहां के प्रधानमंत्री इस तरह के सोशल मीडिया लिंच मॉब का संचालन खुद करते हैं। और दूसरी तरफ सारे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो न्यायपालिका हो, इलेक्शन कमीशन हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, विजिलेंस कमीशन हो, CBI हो, यूनिवर्सिटीज हो, लोकपाल हो, सबको खत्म किया जा रहा है। आज पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ कि 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा 4 sitting judges सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बोला हो कि आज जिस तरह से चीफ जस्टिस को कब्जे में करके सरकार जो है अपने इम्पोर्टेंट केसेस को चहेते बेंचेस के पास भिजवा भिजवा के उनका निपटारा करा रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। ये पिछले 35 साल में कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया हो, जब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन सरकार के कहने पर इलेक्शन की डेट्स फिक्स करता है। इलेक्शन कमीशन जो इन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ एनफोर्स करता है और चाहे प्रधानमंत्री अमित शाह जितना भी उसका उल्लंघन करें, भड़काऊ भाषण दें, सांप्रदायिक भाषण दें, फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन इलेक्शन कमीशन नहीं करता। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक ऐसी रिपोर्ट दे दी रफाल के सौदे में
जिसका सरकार को पहले ही 2 महीना पहले ही उन्होंने एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, तब तक रिपोर्ट आई भी नहीं थी कि ये रिपोर्ट आ गई है और इसमें हमको क्लीन चिट दे दी गई है और इसमें प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए। बाद में पता लगा कि रिपोर्ट तो आई नहीं थी, उसके 2 महीने बाद रिपोर्ट आई, लेकिन सरकार को पहले से पता था। इसके मतलब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के सरकार के कहने पर काम करना है। यूनिवर्सिटीज पर किस तरह का हमला हो रहा है हम रोज देख रहे हैं, सीबीआई को किस तरह का मतलब और सरकारी तोता बना दिया गया है रोज हम देख रहे हैं, हर रोज ये सब होता है। अब सवाल ये है कि इससे कैसे लड़ा जाए। देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब इस फांसीवादी सांप्रदायिक फांसीवाद से लड़ना असंभव है, कई लोग ये सोचते हैं। और जैसा जर्मनी में जब नाजी पार्टी पावर में थी, हिटलर पावर में आया, जो हालात हिटलर ने कर दिए वहाँ, वैसे ही हालात लोगों को दिख रहे हैं हिंदुस्तान में भी होते हुए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इससे लड़ा जा सकता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, चाहे वो मीडिया में थोड़े ही लोग हों, रवीश कुमार या पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा वगैरह, इन लोगों ने दिखाया है कि इस तरह के सांप्रदायिक फांसीवाद से लड़ा जा सकता है। और जब वो लोग बोलते हैं और खुल के बोलते हैं, या जैसे कन्हैया कुमार हो या और लोग हैं, कई लोग हैं, ध्रुव राठी एक बैठा है वहाँ ऑस्ट्रिया में, वो हर हफ्ते एक वीडियो बनाता है, एक या दो वीडियो बनाकर अपना यूट्यूब पर लगाता है और जिसको लाखों लोग देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस सांप्रदायिक फांसीवाद से लड़ा नहीं जा सकता, इससे लड़ा जा सकता है और इससे लड़ना पड़ेगा। देखिए, एक तो ये है कि हम लोगों को अपना हौसला बुलंद रखना है और हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे कि जब इंडिपेंडेंस का मूवमेंट हुआ था तो लोगों ने बोला सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर का कितना बाजुए कातिल में है। तो वही स्पिरिट हमको फिर से अब अपने आप में पैदा करनी है, इससे हमको डरना नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को, ये लोग तो देखिए झूठ फैला रहे हैं, हम लोगों को उनके झूठ को एक्सपोज करना है। दूसरी बात, ये लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हम लोगों को प्यार फैलाना है। इन लोगों के पास 1000 लोग पेड वर्कर्स हो अपने आईटी सेल में, हम लोगों के पास 1000 से क्या 5000 अनपेड वॉलंटियर्स हो सकते हैं सही काम करने के लिए। इनके पास मीडिया इनके कब्जे में हो, हमारे पास अल्टरनेट मीडिया है जो इंटरनेट पे काम करता है, सोशल मीडिया है, हम लोग उसके जरिए ये सब काम कर सकते हैं। सिर्फ इनके झूठ को एक्सपोज करने का नहीं, सिर्फ इनके नैरेटिव को एक्सपोज करने का नहीं, अपना नैरेटिव बनाने का, जो ये दिखाएगा कि हिंदुस्तान में जो रिलीजियस कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके कितने फायदे हुए हैं हिंदुस्तान में। और इसलिए हम लोगों को अब अपनी कमर कस के एकदम स्ट्रेटेजिक तरीके से सोच के समझ के अपनी टीम्स बनाकर ये सब काम करना होगा। और फिर एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि पूरी हमारी इकोनॉमी का इन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया, सारे बैंकों को लूटा जा रहा है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया है, लेकिन इसीलिए ये लोग ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें करते हैं कि हर रोज जो इनका पेड मीडिया है, जो इनके कब्जे में है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया, उसके जरिए हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बस बात करके और इन सब चीजों से ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन हमको सब लोगों का ध्यान असली मुद्दों पर लाना है, प्यार हम लोगों को फैलाना है और नफरत
नफरत को खत्म करना है, ये सब काम हम लोग करेंगे और मुझे इसकी पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अल्टीमेटली अगले 3-4 साल में ये जो ताकतें आज हमारे ऊपर और हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर बैठी हुई हैं, इनका खात्मा होगा और फिर से हमारा रिपब्लिक कायम होगा इस देश में। धन्यवाद।